अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से जॉब अनाउंस की गई है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर उम्र जो है वो आपकी 18 साल से लेके 35 साल तक है। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर, सीट्स का भी बताऊँगी वन बाय वन। ये कुछ इनकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये वो सीट्स हैं जो इन्होंने अनाउंस की हैं मेडिकल के लिए। इसके अंदर ओकोलॉजिस्ट से लेकर इन्होंने ENT, हेड एंड नेक सर्जन की सीट्स अनाउंस की है। पीडियाट्रिशियन से लेकर ICU तक जो है वो इन्होंने सीट्स तमाम तर अनाउंस की गई हैं। ये देखेंगे जो मेडिकल्स की फील्ड में है वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। ये तमाम तर जो सीट्स हैं वो सारी मेडिकल स्टाफ सर्जन्स के मुतलिक हैं, ICU के मुतलिक हैं। ये सारी वो सीट्स हैं, ये देखिए आपके सामने जो मैं दिखा रही हूँ ये सारी वही सीट्स हैं। इसके अंदर जो है वो डायरेक्टर मार्केटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट की सीट्स भी है। इसके अंदर जो है और भी मैनेजर की हैं, टेक्निकल की सीट्स हैं, तमाम तो जो सीट्स हैं वो इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो 7 जनवरी 2024 को ये जॉब अनाउंस की गई थी। लास्ट डेट इसकी 22 जनवरी 2024 है। डिपार्टमेंट का नेम इसके अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल है। जो वैकेंसीज़ हैं वो 200+ हैं। लोकेशन इसके अंदर ऑल ओवर द पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस इसके अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर है। एजुकेशन जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो बैचलर से मास्टर तक की डिग्री है। अगर आपने सिंपल BA किया है, सिंपल मास्टर किया है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसके अंदर दोनों एलिजिबल हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट इसके अंदर 18 साल से लेकर 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। ये परमानेंट जॉब है। ये दी न्यूज़ के अंदर जो है इसका बताया गया था। ये कुछ इनकी और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लेंगे, जॉब से रिलेटेड ही होती हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। इसके अंदर भी वो तमाम तर सीट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। सारा मेडिकल का ही है। जो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं इनको पढ़ने लग जाऊँ डिटेल में आपको बताऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जिस जो आपकी तालीम के मुताबिक है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक है, जो आपने स्टडी की हुई है इनके मुतलिक, तो आप देख के तो फिर अप्लाई करिएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो इसके अंदर डायरेक्टर मार्केटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट की सीट है। बायो मैनेजर की सीट है। इसके अंदर मेडिकल की भी है, इंजीनियर की भी है, लोकल स्क्रीनिंग असिस्टेंट की भी है, ड्राइवर की भी है। ये तमाम तर वो सीट्स हैं जो इनकी जानिब से अनाउंस की गई हैं। आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी इलाके से हैं, आपके पास पाकिस्तान का डोमिसल है, पाकिस्तान के आप सिटीजन्स हैं, आपने शहरों का, आपके पास पंजाब से हैं तो पंजाब का डोमिसल है, सिंध के हैं तो सिंध का डोमिसल है, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस है मैं आपको वो बता देती हूँ। ऊपर जाना है आपने, सर्च बार में गूगल के ऊपर आपने जाके लिखना है टूडे ऑल जॉब्स। जैसे ही आप लिखेंगे टुडे ऑल जॉब तो आपके सामने ये इनका जो सरफेस है वो शो होगा। आपने इसके ऊपर फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है टुडे ऑल जॉब। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आपने इसको देख लेना है, देखिए आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पर यह शौकत खानम हॉस्पिटल, ये देखिए आपके सामने आपको शो हो रहा है। इसके अंदर तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर मेंशन है। इसके अंदर उन्होंने, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप मेरे बायो में लिंक देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ चेंज क्लाइम की ये सीट्स थी। ये देखिए सिंध पंजाब के APK से अप्लाई करना था। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो और भी जितनी भी तमाम तर वैकेंसीज थी वो इसी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस की जाती हैं। इसके अंदर तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। लेकिन आज हमारा ताल्लुक शौकत खानम हॉस्पिटल से है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी चीज़ों को डिटेल से देखने के लिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो इसका पोर्टल है वो ओपन हो गया। ये देखिए आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। इसके ऊपर से यहाँ से मैं वीडियो बना रही थी। देखिए आप तमाम तर जो डिटेल्स हैं, जो वैकेंसीज के नंबर हैं, तमाम तर वैकेंसीज इसके अंदर बड़ी डिटेल से बताई गई हैं। इसके अंदर ये देखें आपके सामने ये शो हो रही है। अप्लाई का जो प्रोसेस है मैं आपको वो बताऊंगी, किस दिन ये अप्लाई की गई थी और कब आई थी, कौन से न्यूज़पेपर के अंदर बताया गया था। उसके बाद ये देखिए नीचे आप चलते जाएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ये देखें शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल
कैंसर एंड रिसर्च सेंटर, तमाम तर तफसील इसके अंदर है। अब मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता देती हूँ। इसके लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड फॉर्म के अंदर नहीं अप्लाई करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन कलर का बटन ऑनलाइन अप्लाई, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने ये शौकत खानम का जो है करियर पोर्टल ओपन हो गया। इसके अंदर आप मेडिकल से हैं, नर्सिंग से हैं, मैनेजमेंट से हैं, रिसर्च से हैं, आपने जिसके अंदर भी अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जब इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे कि हमने इस जॉब के अंदर करना है, तो ये देखें मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल की जो है आपके सामने ओपन हो गई है। इसके अंदर डायरेक्टर मार्केटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट की सीट है लाहौर के अंदर, इलेक्ट्रीशियन की सीट है लाहौर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस लाहौर के अंदर है। उसके बाद और भी बड़ी सारी सीट्स हैं, देखें आप देख सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पिशावर के अंदर इसकी सीट है, ड्राइवर की सीट है पिशावर के अंदर, मैनेजर की सीट है, सिक्योरिटी गार्ड की है। उसके बाद ये देखिए जैसे जैसे आप फर्दर करते जाएंगे आपको इसका जो है वो आइडिया होता जाएगा। इन केस अब मैंने ड्राइवर के अंदर अप्लाई करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर बता दिया ड्राइवर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ड्राइवर अगर आप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अंडर मैट्रिक हो, अगर आपका मैट्रिक कंप्लीट नहीं भी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, या 5 साल का आपके पास जो ड्राइविंग का लाइसेंस है वो होना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइविंग है वो एक सेफ होनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास अगर ड्राइविंग का लाइसेंस है तो ही लोग आपके साथ सेफ हो सकते हैं। ये देखें ये, इसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जब आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये आ जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड आ जाएगा, आपने इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये देखें तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपको इसकी जो फर्दर है अपनी इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर पुट करते जाना है। पुट करते जाएंगे तो आपको फर्दर चीज़ों का जो है वो बहुत अच्छे से इल्म होता जाएगा। इसको हम साइन अप कर देंगे तो ये देखें ये हमने जो थी तमाम तर जो चीज़ें थी वो हमने देख ली ड्राइवर के मुतालिक। उसके बाद अब हम और देखते हैं किसी और पोस्ट के अंदर, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। अब देखें मेडिकल, अब हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं अब हमने किसके अंदर करना है, हमने मेडिकल के अंदर करना है। मेडिकल को हम क्लिक कर देते हैं कि भाई हमने मेडिकल के अंदर करना है। ये देखें ये ना साइट थोड़ा सा टाइम ले रही है इसके अंदर ओपन होने का। जिसके अंदर आपने करना है अप्लाई वो आपके सामने आ जाएगी। आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, अपनी तालीम देखनी है, क्वालिफिकेशन देखनी है, आपकी तालीम क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक है तो फिर आपने अप्लाई कर देना है। मेन मसला होता है कि आपको पता चले कि अप्लाई वाली जगह कौन सी है और किस तरह अप्लाई करना है। जब आपको वो पता चल जाता है तो फिर आप अप्लाई इजीली कर लेते हैं। यहाँ पर ड्राइवर की सीट भी है जो पेशावर के अंदर है, मैनेजमेंट की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। वन बाय वन करके ना आपने इसके अंदर अप्लाई करते जाना है। मैंने अभी आपके सामने जिस तरह अप्लाई किया आपने बिल्कुल इसी तरह अप्लाई करना है। तमाम तर जो डिटेल्स थी इस वीडियो की शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की वो मैंने आपको बता दी है। मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर मैं गवर्नमेंट जॉब भी अनाउंस करती हूँ और प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी अनाउंस करती हूँ। आप मेरी वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें जिनको आइडिया नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने का और जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।